सस्ता हो गया, किसान का सस्ता हो गया, खाद महंगा हो गई, डाई महंगा हो गई, यह तो कुल महंगा बा, दवाई महंगा हो गई है, और किसान का तो कुछ सस्ता भर भैया साला बना दे लोग का कहीं ना बोला। गौशाला में गाय तो रखी जा रही है ना, तो गाय वहाँ खड़े बना कुछ गाय मरा थी मर रही है। अरे इतनी बढ़िया देख के आ रहे हैं, अरे ऐसा नहीं है देख के आ रहा है, पानी डाल सही कुछ मर रहे हैं एकदम से। हाँ स्वागत है अभिव्यक्ति इंडिया पे हमारी चुनाव यात्रा की है विधानसभा जखनिया में। यहाँ गांव का नाम है चुरावनपुर, यहाँ के लोगों का जानेंगे हाल, अब की 2022 में किसकी सरकार बनेगी, क्या योगी आदित्यनाथ जी फिर से सरकार वो बनाएंगे, 400 के लगभग सीट आती है कि नहीं आती है, और जनता की क्या राय, आइए हम आपको जानते हैं। स्वागत है सर। नहीं इस समय सरकार तो अच्छी चल रही है, योगी जी अच्छा काम, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं इस समय जी, तो फिर 22 में उन्हीं की सरकार बनेगी। अब देखिए उसको तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आपकी राय क्या है कि नई सरकार फिर से जो बनेगी योगी जी की। हाँ। तो योगी जी के सरकार में क्या क्या आपको अच्छा लगता है? अब यही काम जो है अच्छा हो रहा है, अनाज भी मिल रहा है, हर चीज जो हो रहा है अच्छा। पहले अनाज नहीं मिलता था, पहले हम लोगों को नहीं मिलता था, अच्छा अब सबको मिल रहा है। और क्या क्या इनकी योजनाओं से आपको गाँव वालों को लाभ मिल रहा? गांव गांव के अंदर अच्छा काम हो रहा है, खड़ंजे वगैरह ये सब जो लग रहे हैं। महंगाई को लेके क्या कहना आपका? अब महंगाई तो है ही है, महंगाई तो चरम सीमा पर है, महंगाई के लिए तो कुछ कह ही नहीं सकते। अच्छा। पेट्रोल डीजल ये खाद्य तेल जी, ये सब जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और मतलब जो मुख्तार अंसारी हैं उनके बड़े भाई शिफतुल्लाह अंसारी अब सपा में आ गए हैं, लोग बता रहे हैं कि पूर्वांचल में काफ़ी मजबूती मिलेगी सपा को, तो इसको आप कैसे देखते हैं? उसके बारे में तो हम कुछ बता नहीं सकते। अच्छा आपकी क्या राय है, किसकी सरकार बनेगी 22 में? योगी जी का। योगी जी का, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं क्या, काम से संतुष्ट आप हैं? अच्छा और भी देखिए गांव के लोग हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि गांव में क्या हाल है। आपकी किसकी सरकार बनेगी 22 में? कोई कह नहीं सकता। अच्छा अभी त्रिकोणी मामला है क्या? इससे प्रधानी लोग चलता है ना जी, रहता इधर काम करता उधर। अच्छा वही दशा पीपी में भी है जी, अभी तक कह रहे हैं लोग कि सरकार इनकी बनेगी जी, बाद में कहेंगे कि उनकी बनेगी जी, लेकिन कोई भरोसा तो है नहीं जी, लेकिन ये तो पब्लिक के ऊपर बात है। तो किस पार्टी में सीधे मतलब भाजपा से लड़ाई होगी, किस पार्टी को आप देखते हैं? दो पार्टी लड़ेगी, दो पार्टी कौन कौन? अखिलेश की और योगी वाले। अच्छा अब बहन जी को? बहन जी का तो बहुत, अच्छा यहाँ नहीं है सोचना। और राजभर जी भी तो तीसरा मोर्चा बना रहे हैं, तो राजभर जी भी ठीक हैं? तो बात में कौन बताएगा। अच्छा वो तो बाहर तो बहुत कम है यहाँ। अच्छा राजभर जी लोग का यहाँ हवा कम है, मतलब राजभर पार्टी की, ओम प्रकाश राजभर जी ठाकुर बाभर अहिर जी तो बढ़ी गई बात, देखा कैसे कैसे का करण है, सस्ता करा तनी बाबू बोलो बुझता। अच्छा चार तो सस्ता हो गया, गांव चार तो सस्ता हो गया, किसान का सस्ता हो गया, खाद महंगा हो गई, डाई महंगा हो गई, यह तो कुल महंगा बा, दवाई महंगा हो गई है, और किसान का तो कुछ सस्ता भर भैया। योगी जी अच्छे हैं ना? अरे अच्छे बड़े, कुछ निको बड़ा, कुछ खराबो बड़ा। अच्छा तो 22 में क्या मिजाज आप लोग का? बात बात निका बड़ा आदमी के जनता के बहुत देत बड़ा। अच्छा लेकिन कोरोना में तो बड़ा नुकसान का गल। अच्छा हाँ कोरोना में कमती नुकसान भाई है, गाय तो उनके बनता ना बड़ा, कुछ कर अथुआ ना करत हुआ, गौशाला बना दे लोग का कहीं ना बोला। गौशाला में गाय तो रखी जा रही है ना, तो गाय वहाँ खड़े बना कुछ गाय मरा थी मर रही है। अरे इतनी बढ़िया देख के आ रहे हैं, अरे ऐसा नहीं है देख के आ रहा है, पानी डाल सही कुछ मर रहा है एकदम से। हाँ हम गया थे कुल वहाँ पानी में डाल सही मर रहा है एकदम से कुल। अच्छा भाई जिनको कहीं लगा तो वहाँ पर कुछ लगा नहीं, पंखा तरे। अच्छा हाँ तो गाय माता जी को नहीं देख रहे हैं? नहीं। अच्छा तो और क्या कहना है आपका, मतलब महंगाई को लेके? अरे महंगाई अब सस्ताई करिए, जब मोदी जी तब बना उनके जितावल जाये। अच्छा वोट वोट देवल जाये, सस्ताई करेंगे तो वोट देंगे आप लोग उनको तब। अब 22 में क्या मिजाज है? बन का सहारा करा, अरे मरे झोपड़ी में कैसा हूँ बितावत बन जा। कोई लाभ नहीं मिला अभी क्या आपको, जैसे कि आवास वास देवा ना कहीं ना देना नहीं झोपड़ी में, यही तरह कैसा हूँ बितावत बन जा। अच्छा ये राशन उशन देत बड़ा, राशन फ्री मिल रहा? हाँ राशन मिला था। अरे वैक्सीन आप लगवाएंगे कि नहीं? लगा ला भैया
कब लगवाई है? अरे शौचालय ना वैक्सीन सुई सुई लगा। अच्छा दोबारा भी लगवाएंगे? हाँ, सेकंड डोज हमार का दोबारा लगा के है। अच्छा उनका लहिना लोग का दोनों जना का दोबारा लग गई डरात रहा जी बाकी सबका देख के तब जो क्या ना इन्हें कोई दिक्कत नहीं। वैक्सीन आप लोग लगाइए, वैक्सीन काफी फायदेमंद है। और भी देखिए दोस्तों, हमने आपको दिखाया ग्राउंड रिपोर्ट, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।